हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। तो आज की क्लास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि हम अपनी क्लास में एक ऐसा ग्रामर का टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अलंकार। याद रखना दोस्तों, याद रखना सारे बच्चों, कि आपके एग्जाम में अलंकार से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस बार विशेष तौर पर यूपी बोर्ड में उपमा और रूपक अलंकार पूछा जाएगा, ठीक है, आपके सिलेबस में। चलिए तो हम जल्दी से बात करते हैं अलंकार होता क्या है, अलंकार के कितने भेद होते हैं, और जो अलंकार के दो भेद हैं उनमें से उपमा और रूपक अलंकार कौन से भेद की श्रेणी में आता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अलंकार होते क्या हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने पहले से भी अलंकार पढ़े होंगे, जानते हैं कि वाक्यों की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को, ध्यान से सुनना समझना, वाक्यों की या फिर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं कि काव्य की सुंदरता का साधन अलंकार है, काव्य के सुंदरता का साधन अलंकार होते हैं। अब बात करते हैं अलंकार की परिभाषा की। अभी तो हमने ये नॉर्मल जान लिया कि अलंकार होते क्या है। ठीक है, तो काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले साधनों को हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब अलंकार होते क्या है, अलंकार का मतलब होता है आभूषण। ठीक है, अगर आ जाए कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है एग्जाम में, तो आपको क्या लिखना है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जैसे उदाहरण में आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि जैसे जो स्त्री जाति है, यानी कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो अपने शोभा बढ़ाने के लिए, अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषण पहनती हैं, वैसे ही काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकार में का अर्थ, अलंकार का काम होता है काव्य में चमत्कार उत्पन्न करना। ठीक है, अलंकार का क्या काम होगा, काव्य में चमत्कार उत्पन्न करना। अलंकार की परिभाषा है आभूषण, जिसका शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जैसे आभूषण सौंदर्य को बढ़ाने में सहायक होते हैं, जैसे आभूषण जो होते हैं, गहने, ज्वेलरी, जो क्या होते हैं, हमारे सौंदर्य को, सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य में कुछ भी हो सकता है। काव्य यानी कि दोहे और कविताएं। सबको पता होना चाहिए कि काव्य खंड क्या होता है और गद्य खंड क्या होता है। काव्य जैसे दोहे और कविताएं जिन्हें हम लयबद्ध तरीके से पढ़ते हैं वो कहलाते हैं काव्य। और अब आते हैं गद्य पे। गद्य यानी कि जो कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास, ये सारे आते हैं गद्य विधा की श्रेणी में, और काव्य, कविताएं, दोहे, ये आते हैं सब काव्य की श्रेणी में। ठीक है, लिखा है जिस प्रकार आभूषण सौंदर्य को बढ़ाने में सहायक होते हैं, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, काव्य की शोभा बढ़ जाती है। तो अगर एग्जाम में आए कि अलंकार क्या है, ऑप्शंस दिए जाए काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या फिर सुंदरता का साधन, हमेशा ध्यान रखना है। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर अलंकार क्या है, तो अलंकार सुंदरता का साधन है। ठीक है, अलंकार क्या है, सुंदरता का साधन। ठीक है, समझना, कोशिश करना समझने की अलंकार क्या होते हैं, सुंदरता का साधन। अब लिखा है अतः काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को हम अलंकार कहते हैं। यहाँ पे बात आया तत्व। ठीक है, तो तत्व क्या है, तत्व ही यहाँ पे साधन है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या फिर सुंदरता का साधन अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के प्रयोग से शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है। ध्यान देना, अब आप जो कविता पढ़ रहे हैं उसमें तो शब्द भी होंगे और उसका कुछ ना कुछ, उसकी व्याख्या भी होगी, उसका अर्थ भी होगा। तो अलंकार को अभी आप जब आगे देखेंगे पूरी क्लास को, तो बताया जाएगा कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे एक बात दी गई है कि अलंकारों के प्रयोग से शब्द में भी चमत्कार उत्पन्न होता है, ठीक है, और अर्थ में भी चमत्कार उत्पन्न होता है। तो अब जानते हैं कि अलंकार कितने हुए, ठीक है, तो मुख्य रूप से अलंकारों को तीन वर्गों में विभाजित किया है, लेकिन आपकी क्लास में, आपके सिलेबस में सिर्फ अलंकारों के दो भेद ही बताए गए हैं। लेकिन आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी के तौर पर अलंकार के तीसरे प्रकार के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन अलंकार एक और होता है, वो क्या है, वो है उभयालंकार।
याद रखना, अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के हो, आपके सिलेबस में सिर्फ दो प्रकार के हैं, लेकिन अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। उभय का मतलब होता है दोनों। सबसे पहले हम बात करेंगे शब्दालंकार क्या होते हैं। बहुत आसान है, आप इस शब्द को ही जैसे समझोगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, शब्द धन अलंकार। ठीक है, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, शब्द धन अलंकार। यहां पे लिखते हैं शब्द धन अलंकार, अर्थात जहां पर शब्दों के माध्यम से, जहां पर शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वो होता है आपका शब्दालंकार। ध्यान देना, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूं जिससे आपको ये परिभाषा बहुत अच्छे से रट जाए, कि जहां पर शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वो कहलाते हैं शब्दालंकार। ठीक है, अब बात करते हैं अर्थालंकार। तो वैसे ही हम अर्थालंकार को अभी अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अर्थ धन अलंकार। बहुत आसान है, तो जहां पर अर्थ के माध्यम से, ध्यान से सुनना, जहां पर अर्थ के माध्यम से किसी काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वो होगा आपका अर्थालंकार। ठीक है, क्लियर। यहां पर स्क्रीन पे आपको सब कुछ दिख रहा होगा, बहुत ध्यान से देखिए और समझिए। ठीक है, कि अलंकार के तीन प्रकार होते हैं, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ दो प्रकार के अलंकार हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। लेकिन जानकारी के लिए हम ये भी जान लेते हैं कि उभय अलंकार क्या होता है। ठीक है, उभय का मतलब होता है दोनों। तो वो अलंकार जो अर्थ के माध्यम से और शब्द दोनों के माध्यम से जिस काव्य में, जिस कविता में, जिस दोहे में चमत्कार उत्पन्न होता है वो होता है उभयालंकार। ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए, अब आपके जो सिलेबस में क्या है, आपके सिलेबस में सिर्फ अर्थालंकार, यानी कि जो बोर्ड एग्जाम्स आने वाला है उसमें सिर्फ अर्थालंकार आना है। तो आज की क्लास में हम अर्थालंकार पढ़ेंगे और अर्थालंकार के अंतर्गत जो जो भी अलंकार आएंगे उनको हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, उनका उदाहरण देखेंगे। चलो, एक इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखना कि आपको अलंकार कैसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। आपको कोई कविता दी जाएगी या फिर कोई दोहा, आपको बताना होगा उसमें कौन सा अलंकार है। एक तो इस तरीके से प्रश्न बन सकता है, दूसरा आपको सीधा सीधा पूछा जाए कि उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तो एक तो आप उसको भी लिख सकते हो। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको अलंकार की परिभाषा पता होना चाहिए, तब तो किसी भी उदाहरण में आप अलंकार को पहचान सकोगे। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत ध्यान से क्लास को पढ़ना, यहीं से, इन्हीं क्लासेस से, यही जो क्लासेस चलती हैं यहीं से आपके मार्क्स तय होते हैं कि आप कितनी ध्यान से अपनी क्लास को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे लिखा है सबसे पहले शब्द अलंकार कि जहां केवल शब्द के प्रयोग के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वो होता है शब्द अलंकार। लिखा है यदि उन शब्दों के स्थान पर उनके पर्यायवाची शब्द, सबको पता है पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थी शब्द। ठीक है, पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थी शब्द। ठीक है, चलो एक बार फिर से लिख देते हैं, समानार्थी मतलब कि समान अर्थों वाले शब्द। ठीक है, ऐसे समझ में आ जाएगा, समानार्थी शब्द यानी कि समान अर्थों वाले शब्द, समानार्थी या फिर पर्यायवाची दोनों को एक ही कहते हैं। समानार्थी शब्द वो है जो समान अर्थ पैदा करते हैं। तो लिखा है कि यदि किसी काव्य में उन शब्दों के स्थान पर, उन शब्दों को हटाकर कोई भी एक समानार्थी शब्द रख दे, वह चमत्कार वहां पे समाप्त हो जाएगा और वहां पर कोई भी प्रकार का अलंकार नहीं रहेगा। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अगर मान लो किसी कविता में आपको कुछ शब्द दिए हैं, अगर उन शब्दों को हटा के हम उसको समानार्थी शब्द रख देते हैं तो वहां पर अलंकार नहीं होगा, फिर वो जो काव्य है वो अलंकार हित हो जाएगा। अभी बात मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि बहुत सारे दोहे और कविताओं में आपको पूछा जाता है कई बार कि इसमें कौन सा अलंकार है, इस अलंकार में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए अगर समान शब्द है, समान अर्थ, समान शब्द है और उनसे अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, तब तो वो अलंकार की श्रेणी में आएगा। लेकिन अगर शब्द शब्दों की जगह उनका पर्यायवाची शब्द रख दिया तो वो आपका अलंकार की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अर्थ अलंकार की। जहां अर्थ के कारण काव्य में, कविता में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां होता है अर्थालंकार। इसमें शब्दों के पर्यायवाची रखने पर भी अलंकार बना रहता है। अब जो अर्थालंकार की बात कर रहे हैं, जैसे यहां पर कोई शब्द है,
उस शब्द में अगर उस शब्द का के स्थान पर उसका पर्यायवाची या फिर उसका समानार्थी शब्द रख देते हैं तब भी अलंकार बना रहेगा, वो होगा आपका अर्थालंकार। अर्थालंकार के उदाहरण है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति अलंकार। ये सब क्या है? ये सब है आपके अर्थालंकार के उदाहरण। बेसिकली यूपी बोर्ड के सिलेबस में अर्थालंकार से ही क्वेश्चंस आएंगे। तो जितने भी बच्चे यूपी बोर्ड की बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने वाले हिंदी का, उनको ध्यान रखना है कि अर्थालंकार से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसीलिए एग्जाम में पूरे नंबर चाहिए, पूरे नंबर पाने के लिए आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से क्लास को पढ़ना है। चलो अब सबसे पहले जान लेते हैं उपमा अलंकार क्या होता है। ठीक है, पहले समझ लो उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। ठीक है, अगर यही आ जाए कि उपमा का अर्थ क्या है तो लिख देना उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। ठीक है, उपमा का अर्थ क्या होता है? तुलना करना। लिखा है इसकी परिभाषा से है, यहाँ पे अगर हम साधारण शब्दों में समझे तो जिस कविता में या फिर जिस दोहे में किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या स्थान की तुलना किसी दूसरे वस्तु, व्यक्ति या स्थान से की जाए वो होगा आपका उपमा अलंकार। ठीक है, जहां पर किसी वस्तु व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे वस्तु व्यक्ति से की जाए वहां पे होगा आपका उपमा अलंकार। तुलना करना, कंपेयर करना या फिर संभावना बताना, ये होगा आपका समान बताना, ये होगा आपका उपमा अलंकार। लिखा है किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म, समान गुणधर्म के आधार पर उनकी तुलना करना या फिर उनकी समानता बताना वो कहलाएगा आपका उपमा अलंकार। आप अभी तो आप 10th स्टैंडर्ड में, लेकिन जब आप बड़े एग्जाम्स की तैयारी करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो आपको यहाँ से उपमा अलंकार से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसीलिए आपको इस अलंकार को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। इतना ध्यान रख लो उपमा का मतलब होता है तुलना करना। अगर आप कोई कविता पढ़ रहे हैं उसमें किसी की आपस में तुलना दिखाई जाए या फिर उनको आपस में समान बताया जाए, ठीक है, उनमें समानता दिखाई जाए वो होगा आपका उपमा अलंकार। यहाँ पे लिखा है उदाहरण के से समझते हैं, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। ठीक है, अब राधा के चरण की तुलना किससे की गई है? गुलाब से, तो यहाँ पे होगा उपमा अलंकार। यहाँ राधा के चरण की तुलना या उसकी समानता गुलाब से की गई है, इसीलिए यहाँ होगा आपका उपमा अलंकार। ध्यान रखना, अब आप लोगों के मन में एक सवाल आया होगा कि तुलना तो हो रही है लेकिन किसकी तुलना हो रही है, किस से तुलना हो रही है और किस शब्द से तुलना हो रही है, ये भी तो जानना जरूरी है ना। इतना तो जान लिया कि जहां पर किसी काव्य से किसी वस्तु किसी व्यक्ति की तुलना दूसरे वस्तु या व्यक्ति से हो रही है वो हो जाएगा उपमा अलंकार। अब जानने के लिए कि किसकी तुलना हो रही है और किससे तुलना हो रही है, इसके लिए हमें उपमा अलंकार को और भी डीप से पढ़ना, मतलब कि और विस्तृत रूप से पढ़ना होगा। ठीक है, तो जान लो कि उपमा अलंकार के निम्नलिखित चार अंग है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है कि उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं। ठीक है, याद रखना उपमा अलंकार के कितने, चार अंग होते हैं। उन चार अंगों के नाम है उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। अब बात करते हैं उपमेय क्या है। ठीक है, बहुत ही साधारण से परिभाषा बताएंगे, अच्छे समझना, जिसकी तुलना हो रही हो। ठीक है, जिसकी तुलना हो रही हो वो होगा उपमेय, जिससे तुलना हो रही हो, जिससे तुलना हो रही हो वो हो जाएगा उपमान। और वाचक शब्द, तुलना करने के लिए हम लोग जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान सुनना, तुलना करने के लिए हम कोई ना कोई शब्द का प्रयोग तो कर रहे होंगे, तो तुलना करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाए वो होगा आपका वाचक शब्द। अब आते हैं साधारण धर्म पे, तो उनको किस गुण पे, किस विशेषता के आधार पर उनकी तुलना की जा रही है। ठीक है, किस गुण या फिर किस विशेषता के आधार पर उनकी तुलना की जा रही है वो हो जाएगा आपका साधारण धर्म। बहुत आसान है, ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। याद रखना, आपकी परीक्षाओं में उपमा अलंकार से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसीलिए बहुत ध्यान से सुनना है। और मैं एक बात और बता दूं कि आपके एग्जाम में समास भी आने हैं, तत्सम और तद्भव शब्द भी आने हैं। तो बहुत शॉर्ट में मैं बता दूं तत्सम शब्द क्या होते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द वो शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों ले लिए गए,
हो जाएंगे तत्सम शब्द। अब बात करते हैं तद्भव शब्द, वो शब्द जो संस्कृत भाषा का परिवर्तित रूप है वो हो जाएंगे आपके तद्भव शब्द। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके पूछा था कि मैम तत्सम और तद्भव शब्दों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्या करना है? कंफ्यूज नहीं होना है, साधारण सी बात है, परिभाषा याद रखो। तत्सम शब्द वो शब्द जो संस्कृत से बिल्कुल एज इट इज ले लिए गए हैं, ठीक है। जैसे अग्नि, अग्नि जो शब्द है ये संस्कृत का है, उससे ज्यों का त्यों ले लिया, उसको बोल दिया हमने तत्सम। अब आया आग, आग कैसा है? संस्कृत भाषा का हिंदी में अनुवाद है, संस्कृत भाषा का परिवर्तित रूप है, तो आग हो जाएगा आपका तद्भव शब्द। तत्सम तद्भव में किसी को कोई कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम टाइम याद रखना है कि कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है, जो अभी तक पढ़ रहे हो ना उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, और साथ ही साथ ग्रामर पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना। एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यहीं से आपको अपने मार्क्स तय करने हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से पेपर को करना है, बहुत ध्यान से अभी क्लास को पढ़ना है, ठीक है। मैम बार बार एक ही बात करें, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि बच्चे क्या सोचते हैं, अलंकार तो आसान है मुझसे बन जाएंगे, लेकिन अलंकार आसान नहीं है। कई बार ऐसे ऐसे दोहे आ जाते हैं, ऐसी कविताएं कि हम उनका अर्थ ही नहीं समझ पाते, तो हम उसमें अलंकार कैसे बताएंगे, ठीक है। इसलिए क्या करना है, उनका अर्थ बहुत अच्छे से आपको समझना है। चलो जान लो कि उपमेय क्या है, ठीक है। अभी तो मैंने नॉर्मल तरीके से आपको बताया, अब इसकी परिभाषा भी देखनी आपको जरूरी है। उपमेय जिस वस्तु की समानता बताई जाती है वह कहलाता है उपमेय, मतलब जिसकी तुलना हो रही है, ठीक है, किस जिसकी तुलना हो रही है वो कहलाएगा आपका उपमेय, ठीक है। उपमान जिस वस्तु से समानता की जाती है वह उपवस्तु उपमान कहलाती, मतलब जिससे तुलना की जा सकती है। इसको उदाहरण से समझो कि वह सुंदरता का प्रतिमान है, प्रतिमान आ गया, तो प्रतिमान से लगा लो आप उपमान। वह किसका किसका प्रतिमान है? सुंदरता का, तो किससे तुलना हो रही है? सुंदरता से तुलना हो रही है, तो तुलना हो रही है यानी कि आ जाएगा आपका उपमान। जिससे तुलना हो रही उपमान और जिसकी तुलना हो रही है, ठीक है, वो हो जाएगा आपका उपमेय। कभी कभी परीक्षाओं में कैसे पूछते हैं, एक दोहा दिया जाए और आपको पूछ लिया जाए कि भाई इसमें उपमेय क्या है, उपमान क्या है, वो कैसे बताओगे? जब आपको ये पता होगा ना कि कौन उपमेय है कौन उपमान है। जिसकी तुलना हो रही है वो होगा उपमेय, और जिससे तुलना हो रही है वो हो जाएगा आपका उपमान, ठीक है। क्लियर है सबको? अब बात करते हैं वाचक शब्द क्या होते हैं। समानता अथवा पहचान को व्यक्त करने वाला शब्द वाचक शब्द कहलाता है, या फिर जिसका प्रयोग हम तुलना करने के लिए हम जिसका प्रयोग कर रहे हैं, जिस शब्द का हम किसी निश्चित शब्द का तो प्रयोग कर ही रहे होंगे, तो जिस शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं वो कहलाएगा आपका वाचक शब्द। अब आया आपका साधारण धर्म, ठीक है। तो साधारण धर्म में क्या होता है, जो गुण उपमान और उपमेय में समान रूप में रहता है वह क्या कहलाता है? आपका साधारण धर्म कहलाता है, ठीक है। अब याद रखना, अभी हम बात कर रहे हैं आपकी उपमा अलंकार की, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अलंकार के, अगर उनसे क्वेश्चन पूछो कि अलंकार कितने प्रकार के होते, तो वो कह देते हैं अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, लेकिन ये अलंकार के प्रकार नहीं है। ध्यान रखना, अलंकार के दो प्रकार हैं, आप लोगों को सिर्फ दो ही पढ़ना है, दो के बारे में ही बताना, ठीक है। अलंकार के दो प्रकार हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार बहुत आसान है, जहां पर शब्द के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वो होगा आपका शब्द अलंकार। ध्यान से सुनना, शब्द अलंकार के अंतर्गत आएगा अनुप्रास, ठीक है, अनुप्रास, शब्द अलंकार की बात हो रही यहां पे, ठीक है, अनुप्रास, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, ये क्या है? ये है आपके शब्द अलंकार के प्रकार, अनुप्रास, यमक और श्लेष, ठीक है। आपकी छोटी सी जानकारी आपको इनके बारे में भी दे देते हैं। अनुप्रास, जहां पर किसी वर्ण की आवृत्ति हो, मतलब फिर जहां पर क्या हो, किसी वर्ण को रिपीट किया जाए, ठीक है, जहां पर किसी वर्ण की पुनरावृत्ति हो। वर्ण यानी कि अक्षर, अक्षर यानी कि का खागा, ठीक है, कोई कंफ्यूज नहीं होगा अनुप्रास अलंकार में, ठीक है। अनुप्रास अलंकार, जहां पर किसी वर्ण की पुनरावृत्ति हो, किसी वर्ण को रिपीट किया जाए, वो होगा आपका अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अनुप्रास अलंकार का बहुत कॉमन सा उदाहरण सबने पढ़ा होगा, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलतल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबरतल में।
अब इसमें जो चा है, चारू चंद्र की चंचल किरणें, बार बार आ रहा ना चा शब्द, चा आ रहा है ना, तो अगर ये दोहा आ जाए और पूछ लिया जाए तो इसमें होगा चा, मतलब कि वर्ण रिपीट हो रहा है तो अनुप्रास अलंकार। एक और इसका उदाहरण है, तरणी तनुजा तट तमाल, ठीक है, तरणी तनुजा तट तमाल बहुवक्ष छाए, ठीक है, ये हो जाएगा आपका फिर से अनुप्रास। इसमें क्या है, तरणी तनुजा तट तमाल जो तावर्ण है वो रिपीट हो रहा है। ये सब जानना भी आपके लिए जरूरी है, जहां पे आपका वर्ण रिपीट हो रहा है वो हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अब बात करते हैं यमक अलंकार के, अनुप्रास अलंकार के उदाहरण के से ही आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन सा अलंकार है। अब आते हैं यमक अलंकार। यमक का अर्थ होता है दो, ठीक है, याद रखना, यमक का मतलब होता है दो। जहां पर, अब यहां हम लोग पढ़ रहे हैं शब्द अलंकार, ध्यान देना, यहां पढ़ रहे हैं शब्द अलंकार, जहां पर शब्द के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, ठीक है। तो शब्द अलंकार, शब्द जहां पर दो शब्द आए, जहां पर दो समान शब्द आए या दो से अधिक समान शब्द आए और दोनों बार ही उसका अर्थ है वो भिन्न भिन्न हो, जहां पर दो समान शब्द आए और दोनों बार ही उनका जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, वो होगा आपका यमक अलंकार, ठीक है। यमक अलंकार कहते हैं ना, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाए, एक खाए बोराए, ठीक है, बाप आए बोराए। अब यहाँ पे एक शब्द आ रहा है बार बार, कनक कनक, कनक कनक ते सौ गुनी, आया ना कनक जो शब्द है वो दो बार आया। अब दोनों बार ही कनक का अर्थ अलग अलग होता है, ठीक है। पहले का कनक का मतलब होता है धतूरे का फूल, अब दूसरा जो कनक है वो उसका अर्थ होता है सोना, ठीक है, सोना मतलब जो हमारे धातु, सोना स्लीपिंग वाला सोना नहीं, सोना यानी कि धातु, सोना चांदी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यमक अलंकार का उदाहरण, जहां पर कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वो होगा आपका यमक अलंकार। क्लियर है सबको। अब बात करते हैं हम श्लेष अलंकार की, ठीक है, याद रखना श्लेष अलंकार की, श्लेष का अर्थ मतलब होता है चिपका हुआ, श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ, ठीक है। अब ध्यान से परिभाषा को सुन लो कि जहां पर कोई शब्द आपस में चिपके हुए हो लेकिन उनके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हो, ठीक है, जहां पर बहुत सारे शब्द आए हो जिस कविता में, जिस काव्य में, लेकिन हर बार उनसे जो अर्थ है वो अलग अलग निकल रहा हो, वहां होगा आपका श्लेष अलंकार। उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानो सून। यहाँ पे जो पानी शब्द है, ध्यान से सुनना परिभाषा को, उदाहरण को ध्यान से सुनना, ठीक है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो जो पानी है ना वो बार बार आया, पानी शब्द का जो इस्तेमाल है वो इस दोहे में बार बार हुआ है और हर बार पानी का अर्थ एक नया निकलता है, ठीक है। पहला पानी मतलब कि हमारी प्रतिष्ठा संपत्ति, ठीक है, दूसरा पानी अर्थात जल के रूप में, तीसरा पानी चूने के पानी के रूप में। कहते हैं रहीमन पानी राखिए बिन इस पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, ठीक है। तो इसमें पानी शब्द का इस्तेमाल कई बार हुआ है और हर बार इसका जो अर्थ है वो अलग अलग आया है, ये हो गए हमारे श्लेष अलंकार। अब याद रखना ये आए थे आपके शब्द अलंकार की श्रेणी में, कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा शब्द अलंकार में, ठीक है, शब्द अलंकार। अगर पूछा जाए अलंकार कितने प्रकार के होते हैं तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं, अर्थ अलंकार और शब्द अलंकार। अगर पूछा जाए कि शब्द अलंकार की परिभाषा, उसके उदाहरण को बताइए, तो आपको बताना है जहां पर शब्द के माध्यम से किसी काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वो होगा आपका शब्द अलंकार। अब जो अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार है, ये सब क्या है, ये सब शब्द अलंकार के ही उदाहरण है, शब्द अलंकार के ही भेद है, ठीक है, किसी को कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ध्यान से सुनना है। अब बात करते हैं हम अर्थालंकार की। अब जो हम उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, ये जो हम अलंकार पढ़ रहे हैं ना, ये सारे अलंकार हैं आपके
अर्थालंकार, जहां पे क्या होगा, कोई भी काव्य में चमत्कार उत्पन्न होगा तो अर्थ के माध्यम से होगा, ठीक है। अब जब आप आगे की क्लासेस में जाएंगे ना, बड़े क्लास में, तब आप अनुप्रास अलंकार के भी प्रकार पढ़ेंगे, वो होते हैं 5 प्रकार के, ठीक है। फिर आप श्लेष अलंकार के प्रकार पढ़ेंगे, वो होते हैं 2 प्रकार के, ठीक है। तो अभी लेकिन आपके सिलेबस में ज्यादा नहीं है, अच्छा है कि आप लोग अभी अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर ले, मतलब आप अभी अलंकार को अच्छे से समझ ले। जब आप आगे बड़ी क्लास में जाएंगे थोड़ा सा और आपको विस्तृत पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए अगर आपने आज अच्छे से पढ़ लिया तो कल आपसे अलंकार अच्छे से बन जाएंगे। और हमेशा परीक्षाओं में अलंकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने देखा, भले मैंने बिहार बोर्ड का पेपर देखा हो, एमपी का देखा हो, राजस्थान का, सब में अलंकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो बात हो रही है भाई यूपी बोर्ड की, यूपी बोर्ड में भी अलंकार से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। उसमें आएगा अर्थालंकार से, यानी कि उपमा से आ सकता है, रूपक से आ सकता है, या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो, तो अब हम बात कर रहे थे साधारण धर्म की। जो गुण उपमाय, उपमेय और उपमान में समान रूप से रहता है वो होता है साधारण धर्म, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं हम उपमा अलंकार के उदाहरण की। अभी तो हमने जान लिया कि उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है और उपमा अलंकार के अंग कौन कौन से हैं। ध्यान रखना, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। अब अलंकार समझना है, व्याकरण समझनी है, तो उसको कैसे समझोगे, उदाहरण से ना। तो लिखा है पीपर पात सरिस मन डोला, ठीक है। इस दोहे का अगर भावार्थ देखेंगे तो क्या है कि पीपर पात मतलब कि पीपल के पत्ते के मान, सरिस मतलब कि सरल, पीपल के पत्ते के समान मेरा जो मन है वो डोल रहा है। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मेरा मन डोल रहा है। क्या होगा यहाँ पे, फिर से यहाँ पर अपने मन की तुलना किससे हो रही है, पीपल के पत्ते से, ठीक है, पीपल के पत्ते से मन की तुलना हो रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। बहुत आसान है, इतना याद रखना, जहां पे तुलना हो या समानता दिखाई जाए वो होगा आपका उपमा अलंकार। चलो, अब बात करते हैं दूसरा उदाहरण। दूसरा है हरिपद कोमल कमल से, ठीक है। हरिपद, हरि मतलब कि भगवान या फिर ईश्वर, ठीक है, याद रखना, हरि मतलब भगवान या फिर ईश्वर। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे समझने लगते हैं कि हरि मतलब किसी का नाम, तो हरि मतलब कि भगवान या फिर ईश्वर। पढ़ा है ना, जितने भी दोहे पढ़े हैं आपने, चाहे वो कबीर के हो, चाहे वो तुलसीदास के, सूरदास के, उन्होंने भगवान को क्या नाम दिया, उसका पर्यायवाची क्या रखा, हरि नाम, हरि कहा गया, ठीक है। तो लिखा है हरिपद कोमल कमल से, हरिपद यानी कि हरि के पैर, हरि के चरण, तो हरि के मतलब भगवान के जो चरण है वो कमल के समान कोमल है, भगवान के चरण कमल के समान कोमल है, ठीक है। यहाँ पे भी हो गया आपका उपमा अलंकार, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपसे मान लो ये आपको दोहा दिया हो और आपसे कहा हो इसमें उपमेय बताओ, उपमान बताओ, तो उसमें उपमेय क्या होगा, उसमें उपमेय होगा हरिपद, ठीक है, याद रखना, उपमेय होगा, उपमेय होगा हरिपद, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम उपमान की, ठीक है, उपमान मतलब कि जिससे तुलना की जा रही है, तो किससे तुलना कर रहे हैं, कमल से, ठीक है। तो आपका कमल हो गया उपमान, और जिससे, जिसकी तुलना हो रही है, जिसकी मतलब हरि के पैरों की तुलना हो रही है, तो वो हो जाएगा उपमेय, जिससे तुलना हो रही है, जिसकी और जिससे, याद रखना, जिसकी और जिससे, जिसकी तुलना हो रही है वो हो जाएगा आपका उपमेय, जिससे तुलना हो रही है वो हो जाएगा उपमान। यहाँ पे जो हरिपद है वो उपमेय है और कमल यहाँ पे है उपमान, तो ये हो गया हमारा उपमा अलंकार, ठीक है। चलिए, अब जानते हैं रूपक अलंकार क्या होता है। अभी तक हमने जाना उपमा अलंकार, अब रूपक अलंकार। रूपक अलंकार मतलब कि वो अलंकार जहां पर किसी काव्य में वस्तुओं को समान बताया जाए, जहां पर किसी काव्य में वस्तुओं को
समान बताया जाए वहां होगा आपका रूपक अलंकार। परिभाषा है, ध्यान से समझना, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, ठीक है। भेद रहित आरोप मतलब उनको बिना भेदभाव के उन्हें एक जैसा, उन्हें समान बताया जाए, वो होगा आपका रूपक अलंकार। अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए वहां होगा आपका रूपक अलंकार। जहां पर उनमें कोई भी भिन्नता ना हो, उन्हें क्या, भिन्नता का मतलब अलग अलग हो, और उन्हें समान बताया जाए, ठीक है। अभिन्नता प्रकट की जाए मतलब कि उन्हें समान बताया जाए, वो होगा आपका रूपक अलंकार। परिभाषा को ध्यान से सुनना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, तो आपको परिभाषा में कंफ्यूज नहीं होना, यार कहाँ से उपमेय आ गया, कहाँ उपमान आ गया, ये तो सारे उपमा अलंकार के अंग है। लेकिन यहाँ पर भी आपको कोई चीज, किसी दो चीजों में समानता बताई जा रही है, तो यहाँ पर भी उपमेय उपमान का प्रयोग किया जाएगा। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहां होगा आपका रूपक अलंकार। अब इसको कैसे समझोगे, इसको समझने के लिए इससे संबंधित उदाहरणों को आपको समझना होगा। आपने एक उदाहरण पढ़ा होगा, मैया मोहे चंद्र खिलौना लेनो, मैया मोहे चंद्र खिलौना ले लो। देखा है ना कि सूरदास जी कभी ने क्या बताया कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो एक बार अपनी माँ से जिद करते हैं, हट करते हैं कि जो आसमान में जो चंद्रमा है ना माँ, मुझे तो वही खिलौने के रूप में चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, चंद्रमा को और खिलौने को एक जैसा बताया गया है, एक समान बताया गया है, तो यहाँ पे होगा आपका रूपक अलंकार। याद रखना, हम लोग ये जो तुलसीदास के सूरदास के दोहे पढ़ते हैं ना, ये भी एग्जाम्स में आते हैं। मैंने कई बार आपको बताया है कि अगर आप कोई दोहा लिख रहे हो तो आपको तभी पूरे नंबर मिलेंगे जब आप उसमें उसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। अगर आपने ऐसे ही व्याख्या लिख दी तब आपको नंबर नहीं मिलेंगे। यहाँ हम लोगों को सिर्फ पास नहीं होना है, ध्यान रखना, हम लोग सिर्फ पास होने के लिए पेपर नहीं कर रहे हैं, पास तो हम बिना पढ़े भी हो जाएंगे, यहाँ हमें बहुत अच्छे नंबरों के लिए पेपर के लिए बहुत मेहनत करनी है। तो एक एक बात को ध्यान रखना है, जैसे कभी कभी हम लोग मात्राओं में गलती कर देते हैं, मात्राओं में गलती नहीं करनी है, ठीक है। दूसरी बात, हमें अगर कोई भी प्रश्न पूछा जा रहा है, मान लो वो दो नंबर का पूछा जा रहा है, तो हमें इतना लिखना है कि दो नंबर मिले। अगर मान लो वो पांच नंबर का पूछ रहे हैं, तो भाई इतना बड़ा तो लिखो कि पांच नंबर आपको मिले। अब बच्चे कहते हैं, मैम मैंने लिखा तो पूरा था लेकिन मुझे नंबर नहीं मिले। नंबर तब मिलेंगे जब आप पांच नंबर के लायक लिखेंगे ना, तो आप पांच नंबर में उसको संदर्भ लिखना है, उसके प्रसंग लिखना है, उसकी व्याख्या लिखना है। संदर्भ मतलब ये पुस्तक कहाँ से, ये दोहा कहाँ से लिया गया, इसके कवि कौन कौन है, ठीक है। प्रसंग यानी कि दोहे है, कविता में आखिर बताया क्या गया है, वर्णन किस किया गया। फिर आप जो चार पंक्तियां हैं उनको एज इट इज आपको क्या करना है, लिखना है, तभी आपको पांच नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही लिखना, ठीक है। चलो अब बात कर रहे थे हम लोग रूपक अलंकार की, ठीक है। लिखा इसका उदाहरण है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, ठीक है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। अब आपकी बोर्ड का, आपकी यूपी बोर्ड में एक बहुत अच्छा चैप्टर है जिसका नाम है धनुष भंग। तो ये जो दोहा है ना, ये धनुष भंग से लिया जा रहा है, ठीक है। जहां पे क्या बताया गया है कि जो भगवान राम है, जब वो धनुष तोड़ते हैं, तो जब वो मंच पर धनुष तोड़ने के मंच पर प्रवेश करते हैं, तो क्या कहा है, उदित उदयगिरी मंच पर। अब जो मंच है उसको उदयगिरी पर्वत के समान बताया गया है, उदयगिरी एक पर्वत का नाम है, तो मंच को उदयगिरी पर्वत के समान बताया गया है, ठीक है। रघुबर बाल पतंग, रघुबर यानी कि भगवान राम, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने उदयगिरी पर्वत को और मंच को एक जैसा बताया है, समान बताया, ठीक है। तो ये होगा आपका रूपक अलंकार, जहां पर क्या हो, किन्हीं वस्तु को, किन्हीं व्यक्तियों को समान बताया जाए, वो होगा आपका रूपक अलंकार। और जहां पर तुलना हो रही हो, वो होगा आपका उपमा अलंकार, ठीक है। क्लियर है ना सबको, कोई डाउट हो तो भाई कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, लेकिन एग्जाम से पहले अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लेना, मैं नहीं चाहती कि किसी का भी एग्जाम खराब हो, ठीक है। चलो अब एक दूसरा उदाहरण है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये किसका है, ये मीराबाई का दोहा है, सबने पढ़ा होगा। मीराबाई कहती है ना कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पहली बात वो तो वो कृष्ण भक्ति धारा की कवि है, याद रखना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि तुलसीदास कौन सी शाखा के कवि हैं, तो वो राम भक्ति शाखा कवि हैं, यानी कि उन्होंने अपनी पूरी रचनाओं में राम का वर्णन किया, उनकी महिमा का वर्णन किया। सूरदास मीराबाई रसखान, इन्होंने अपनी कविताओं में श्री कृष्ण के बचपन का, उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है, तो वो है आपका
वो है कि कृष्ण भक्ति धारा के कवि। ठीक है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो अब जो मीराबाई है उन्होंने राम रतन धन इनको समान बताया कि मतलब मेरे लिए जो अगर मैंने प्रभु राम मुझे मिल गए तो वही मेरे लिए रत्न है, मतलब वही मेरे लिए हीरे जवाहरात है और वही मेरी सबसे बड़ी धन संपत्ति है। तो उन्होंने राम को राम रतन धन को समान बताया, उनके लिए राम रतन धन सारे क्या है वो एक समान है। अगर उन्होंने भगवान राम मिल गए, ठीक है, या उन्हें भगवान मिल गए तो उनके लिए वही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि राम रतन और धन है वो सारे एक समान। चलिए अब बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। परिभाषा से समझो, एक बहुत ही सामान्य परिभाषा यह है कि जहां पर इसी काव्य में जहां पर तुलना भी हो रही हो और कोई कल्पना भी हो रही हो, तुलना भी हो रही है और साथ साथ कल्पना भी हो रही है, तो वो होगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। परिभाषा है जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहां पर क्या हो उपमेय में उपमान की संभावना को वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, जहां पर तुलना हो रही है और कल्पना भी हो रही है, उपमेय उपमान की क्या संभावना हो रही है, तो वो होगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। उदाहरण है मनु जानो जनु जानो मनहु जाने आदि, ये क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार में वाचक शब्द है। अब जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे दोहों में लिखा होता है मनु या फिर मानु, मानो या फिर मनु मतलब मान के चलो, जनु या फिर जानो, मनहु या जनहु, अब ये सारे क्या हैं, ये उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं, इन्हीं के माध्यम से शब्द की तुलना की जाती है, तो वो हो गए आपके वाचक शब्द। ठीक है, उदाहरण समझ लो, लिख लो, सोहत ओढ़ पीतु पट श्याम सलोने गात मनो नील मणि सैल पर आतुप परियो भात। ठीक है, यहाँ पे क्या गया है सोहत ओढ़ पीतु पटु मतलब जो श्याम सलोने मतलब जो श्री कृष्ण भगवान जब पीले वस्त्रों को धारण करते हैं तो उनका जो सांवला शरीर है वो बहुत अधिक शोभायमान होता है। गात मतलब शरीर, कि श्री कृष्ण जब पीले वस्त्र धारण करते हैं तो उनका शरीर बहुत ज्यादा शोभायमान दिखता है। मानो नीलपति सैल नीलमणि सैल पर आतपु परिभात, और ऐसा लगता है मानो, यहाँ पे आ गया ना ये वाचक शब्द। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रही है कोई कल्पना हो रही है। ठीक है, कि उनके सुंदर जो जब वो श्री कृष्ण अपने सांवले शरीर पर पीले वस्त्र धारण करते हैं तो ऐसा लगता है कि नीलमणि के पर्वत पर, सैल यानी कि पर्वत, नीलमणि के पर्वत पर सुबह सुबह अभी ही पीली पीली धूप निकली हुई है। ठीक है, आतप परियो प्रभात, प्रभात मतलब कि सुबह अभी 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 पीली पीली प्रभात खिली हुई है, सुबह खिली हुई है। यहाँ पे क्या हो रहा है तो उसमें तुलना के साथ साथ संभावना हो रही है, कोई कल्पना की जा रही है, यह आ जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर है मोर मुकुट की चंद्र कनु यो राजत नंदन मनो शशि शेखर की आकर्ष किए शेखर ससन। ठीक है, इसमें भी बताया गया है मोर मुकुट यानी कि जब श्री कृष्ण मोर मुकुट लगाते हैं तो मोर मुकुट में जो चंद्रिकाएं बननी होती है, देखा होगा मोर के मुकुट में हरी हरी लाइनें बनी होती हैं, तो मोर मुकुट की चंद्रिकाएं यो राजत नंदनन मतलब नंद राजा के जो पुत्र जब मोर मुकुट को धारण करते हैं तो उसकी चंद्रिकाएं ऐसी लगती हैं जैसे मनु शशि, मनु शब्द आ गया, मनु आ गया, तो ये होगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। मनु शशि शेखर की आकर्ष किए शेखर सचंद, इसमें बताया है शशि यानी कि भगवान शिव, शेखर मतलब उनका सिर, तो आकर्ष मतलब कि प्रतिवस्त्वदा, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो भगवान शिव के ऊपर जो चंद्र, भगवान शिव के ऊपर जो चंद्रमा लगा है ना, तो वो चंद्रमा से अपनी प्रतिस्पर्धा कर रही है, प्रतियोगिता कर रही है। यहाँ पे भी इस काव्य में भी कल्पना हो रही है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। चलो अब बात करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है, सबसे आसान अलंकार और मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार जहां पर बातों को बढ़ा चढ़ा के बताया, देखा होगा ना अगर कोई कविता पढ़ रहे हैं तो किसी वीर पुरुष के बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के बता देंगे, किसी घोड़े के बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के बता देंगे, तो जहां पर जिस कविता में किसी के बारे में बढ़ा चढ़ा के बताया जाए वो होगा आपका अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी वस्तु व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, यहाँ पे क्या होगा बढ़ा चढ़ा कर किया जाए वो होगा आपका अतिशयोक्ति अलंकार। जहां पे बातों को नमक मिर्च लगा के किया जाए, नमक मिर्च लगाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बातों को बढ़ा चढ़ा के कहना, वहां होगा अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, चलो इसको उदाहरण देख लेते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सिगरी जल गई गयन साचर भाग। अब इसमें बात को बढ़ा चढ़ा के बताया कि भाई हनुमान की पूंछ में तो आग लग भी नहीं पाई और उससे क्या हुआ लंका पूरी जल गई और जितने भी राक्षस थे, निशाचर, निशाचर यानी कि राक्षस थे, तो जितने भी राक्षस थे वो सारे डर के कारण भाग गए।
ठीक है। तो यहाँ पे बातों को बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, यानी कि होगा अतिशयोक्ति अलंकार। फिर दूसरा उदाहरण है, आगे नदियां पड़ियां पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इसमें बताया गया है कि भाई जो राणा महाराणा प्रताप थे ना, उनका जो घोड़ा था उसका नाम था चेतक। तो एक बार महाराणा प्रताप किसी जंगल से गुजर रहे थे, सामने उन्हें बहुत बड़ी बड़ी नदियां मिल गई। तो अब वो सोच रहे थे कि भाई ये जो बड़ी बड़ी विशाल नदियां हैं, इनको मेरा घोड़ा, मेरा जो चेतक है, जो वो कैसे पार करेगा। जब तक राणा इतना सोच रहे थे, तब तक जो चेतक था वो उस पार था, यानी कि वो नदी को पार कर चुका था। तो यहाँ पर भी बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया गया। तो ये भी होगा आपका अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण। तो मुझे उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। कोई भी डाउट्स है तो आपको कमेंट बॉक्स में पूछना है। साथ ही साथ याद रखना कि इस बार अर्थालंकार से उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार से आपको क्वेश्चंस आने हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, इस क्लास को ध्यान से देखना। अगर एक बार में समझना है तो दो बार देखना, तीन बार देखना। लेकिन अगर इससे कोई भी क्वेश्चंस आएगा तो आपसे वो आंसर जरूर बनना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।